गुड आफ्टरनून जमशेदपुर, मैं मोनाज सोशल संवाद से। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, जो कि कुवैत से जुड़ने वाले हैं, जो कि वो एक पेडियाट्रिक डेंटिस्ट है। यानी कि मैंने आप सभी को उनसे सीजन वन में उनका परिचय करवा दिया था, तो मैं अब ज़्यादा आपका समय लिए बिना आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज हम उनसे टूथ डेके यानी कि दांतों में सरक के बारे में कुछ बातें करूंगी, कि जैसे कि टूथ डेके होती क्या है, वो हमारे दांतों में कैसे स्प्रेड होती है, तो उस रिलेटेड कुछ सवाल हम करेंगे उनसे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुमन मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सोशल संवाद में। सर, थैंक यू मनोज जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस द सेकेंड टाइम इन आवर सेकेंड सीजन टू। So I welcome you to Social Samvad. So sir, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आप लोगों को सीजन वन में डॉक्टर सुमन मिश्रा जी का परिचय ऑलरेडी दे चुकी थी, तो अब मैं ज्यादा टाइम लिए बिना मैं उनसे कुछ सवाल करूंगी अब। तो सर, टूथ डेके क्या होता है? हाँ जी मोनाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल सोशल संवाद के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं मैं। डेंटल केरीज या कैविटीज या जिसको टूथ डीके भी बोलते हैं, ये जो टूथ के आउटर मोस्ट लेयर होता है, यानी कि जैसे कि दांत हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं, आपके दर्शकों को दिखाते हैं, दांत के जो बाहर लेयर होते हैं वो क्राउन होते हैं, जो हमें दिखते हैं क्राउन, ओके, जो बाहर रहते हैं, जो दांत के जो अंदर होता है मसूड़ो गम्स और बोन्स के अंदर होता है वो रूट बोलते हैं। तो ये क्राउन जो होता है उसके आउटर लेयर मोस्ट लेयर होती है एनामल, और सेकेंड लेयर होती है डेंटीन, और थर्ड होती है पल्प जो सबसे डीप होती है, ओके, थर्ड लेयर। तो जब आउटर मोस्ट लेयर एनामल जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, उस प्रोसेस को डेंटल केरीज और कैविटी बोलते हैं। और ये कैसे होता है? ये जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे माउथ के अंदर, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया जब भी हम खाना खाते हैं या कुछ शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं तो उसके ऊपर ये बैक्टीरिया ब्रेक डाउन उनको करना शुरू कर देते हैं और उससे एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड जो होते हैं हमारे दांतों के एनामल को, आउटर मोस्ट लेयर को डिजॉल्व करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि टूथ डीके होता है, ओके? ये चिल्ड्रन में भी होता है, टीनेजर्स में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है। और एक छोटा सा ओवरव्यू ये बताते हैं हम आपको कि प्लाक एक होता है बायोफिल्म बैक्टीरिया जिसमें होते हैं, तो ये प्लाक जो होता है स्टिकी होता है, और जब भी हम खाना खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लाक फॉर्म करने लगता है और उसके अंदर एसिड फॉर्म करता है, और जो प्लाक स्टिकी होता है तो वो एसिड जो उसके अंदर बन रहे हैं वो एसिड दांतों के कॉन्टेक्ट में रखता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनामल ब्रेक डाउन हो जाता है उस एसिड से, और यहीं पे कैविटी फॉर्मिंग शुरुआत होती है। डेंटल केरीज जो होते हैं, कैविटीज जो होते हैं, वो प्रिवेंटेबल बचाए उससे प्रिवेंटेबल है वो, लेकिन वो मोस्ट कॉमन क्रॉनिक डिजीज है। और एक सर्वे में ये भी पाया गया है कि जो 14 से 17 साल 14-17 ईयर्स ऑफ एडल्ट्स होते हैं उनमें टूथ डीके, डेंटल डीके जो होता है वो 4 times, 4 गुना ज्यादा होता है कॉमन एज कंपेयर टू अस्थमा। अस्थमा से 4 गुना ज्यादा कम होता है, तो आप देख सकते हैं। और वहीं पे CDC, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसका हेडक्वार्टर अटलांटा अमेरिका में है, उनके सर्वे के हिसाब से 20 साल से ऊपर एडल्ट्स के 90% ज्यादा इफेक्ट होते हैं डेंटल केरीज से, जिनको टूथ रूट डीके होता है। और क्यों, जैसे हमने बताया कि चिल्ड्रन में तो कॉमन होते ही है डेंटल डीके, लेकिन विद एज कैविटी प्रॉब्लम एडल्ट्स में भी होती है, और 50 साल से ऊपर ओवर एज 50 टूथ रूट डीके हो जाता है, दांतों के रूट में भी डीके हो जाता है। ये कैसे होता है? जैसे जैसे 50 साल के ऊपर होते हैं, एज होती है, वैसे वैसे जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो नीचे जाने लगते हैं, रिसीशन होने लगती है, और गम्स की डिजीजेस भी बढ़ जाती है विद एज। और जब गम्स के जो टीथ के जो रूट्स एक्सपोज हो गए हैं वो वहां पे प्लाक लग जाता है, और टूथ की आउटर मोस्ट लेयर, जो रूट्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सीमेंटम होती है, क्राउन की हमने बताया एनामल होती है,
वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन रूट्स की सीमेंटम होती है वो वीक होती है और सॉफ्ट होता है एनामल से, तो उससे जल्दी डीके होने के चांसेस हो जाते हैं और वो सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड और टच से भी ठंडा गर्म सेरन, तो जब ये एक्सपोज हो गया तो उससे ज्यादा चांसेस हो गए डीके होने के लिए, और ये एडल्ट्स में हो जाते हैं। और उन लोगों के पास जिन्होंने लंबे अरसे से फिलिंग्स या मार्जिन्स कहीं वहां पे उन्होंने फिलिंग कराई है बहुत सालों से, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो फिलिंग जो है वो ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर हो सकता है या उनकी लीकेज फॉर्म हो सकती है, उस लीकेज में बैक्टीरियाज उस गैप में इकट्ठे हो जाते हैं और वो बैक्टीरियाज इकट्ठे होके वहां पे एसिड बिल्डअप करने लगते हैं और उस एसिड से ही डेंटल डीके हो जाता है। तो ओवरव्यू में ये है कि डेंटल डीके टूथ कैविटीज केरीज डेंटल केरीज जो है पैरेलल डायनेमिक होता है हार्ड सर्फेस ऑफ द टूथ को और छोटे छोटे टाइनी ओपनिंग्स और होल्स बनाते हैं और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स से होता है, बैक्टीरिया और कितने बैक्टीरिया का लोड है माउथ में, सलाइवा हमारी कितनी सलाइवा बन रही है, फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से, सिपिंग शुगरी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा और दांतों को अच्छी तरह से ब्रश नहीं करें या ऑप्टिमम फ्लोराइड ना लगाएं, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वर्ल्ड की मोस्ट कॉमन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है और ये सबको हो सकती है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी जिनके दांत अभी भी आए अगर दांतों का ख्याल अच्छी तरह से ना किया जाए और अगर उस कैविटी को हम छोड़ दें, ध्यान ना दें, उसका रोकथाम ना किया जाए तो वो बड़े होने लगते हैं कैविटीज और वो डीपर लेयर में चले जाते हैं और उससे सीवियर टूथेक इन्फेक्शन और टूथ लॉस भी हो सकता है। इसीलिए डेंटिस्ट का रेगुलर विजिट होना जरूरी है, गुड ब्रशिंग और फ्लॉसिंग का हैबिट लगाना बहुत जरूरी है। ओके सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरह से हमारे व्यूअर्स को बताया कि टूथ डेके क्या होता है एग्जैक्टली, तो जैसे कि सर टूथ डेके का सिम्टम्स क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम हमारे दांतों में टूथ डेके हुआ है, उनके सिम्टम्स कैसे क्या है? सही सवाल पूछा आपने, क्योंकि कितनी बार जब ये डिपेंड करता है, अगर डीके कैविटी छोटा होता है तो उसमें कभी कभी सिम्टम्स नहीं, कोई दर्द नहीं होता है, कुछ पेन नहीं होता है, तो लोग बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं, हमें कोई दर्द नहीं है। लेकिन वो पीरियडिकली डेंटिस्ट के पास विजिट करने से ये होता है कि जो छोटी छोटी कैविटीज इनिशियल स्टेज में होते हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकते हैं और भी माउथ में बहुत सारी चीजें होती है जिसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये जरूरी है कि पीरियडिकली डेंटिस्ट के पास विजिट करें। और सिम्टम्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि टूथ एक हो सकता है, स्पॉन्टेनियस पेन विदाउट एनी कॉज, बिना कॉज के पेन हो सकता है, सेंसिटिविटी ठंडा गर्म लगना, माइल्ड टू शार्प पेन हो सकता है कभी पानी पीने से, हॉट या कोल्ड पीने से, कॉफी चाय से, स्वीट से भी होता है। अब दांतों को अगर देखेंगे ब्रश करते समय, टीथ को देखेंगे अगर मिरर के सामने, तो कभी कभी विजिबल होल्स दिख सकते हैं और पिट्स दिख सकते हैं छोटे छोटे उसमें दांतों में, तो ये देखना जरूरी है। ब्राउन ब्लैक और व्हाइट स्टेन्स भी दिख सकते हैं, तो अपने बॉडी पार्ट्स को अगर प्यार करें, यानी कि सिंपल सी चीज सेल्फ ओरल डेंटल एग्जामिनेशन, ब्रशिंग के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हम चेहरे को ध्यान देते हैं मेकअप में ये सब करते हैं तो वो अच्छी बात है, तो वैसे ही दांतों को भी ध्यान दें जिससे कि हम सेल्फ ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं और हम अर्ली डिटेक्ट करें, और कभी कभी बाइट करते समय पेन भी होता है, दर्द भी होता है, तो ये सब चीजें सिम्टम्स हो सकती है। ठीक है सर, जैसे कि टूथ डेके जो हमारे दांतों में कैसे स्प्रेड होती है ये? हाँ जी, ये इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्लाक फॉर्मेशन होती है, और सेकेंड होती है प्लाक में जो बैक्टीरिया और मिनरल्स वो एसिड आए हैं वो अटैक करते हैं, और थर्ड होता है डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू होता है। प्लाक फॉर्मेशन में जैसे कि हमने आपको बताया कि प्लाक एक स्टिकी बायोफिल्म होता है जो चिपक के रहता है दांतों के साथ, और जो शुगर और स्टार्च हमने खाना में खाया है या शुगरी ड्रिंक्स में खाया है और अच्छी तरह से ब्रशिंग ना किए टीथ की, तो उसमें बैक्टीरिया उसके ऊपर फीड करने लगते हैं और वो प्लाक बना देते हैं बायोफिल्म, और प्लाक अगर ज्यादा देर तक मुंह में रह जाता है तो हार्ड हो जाता है, जो टार्टर बनाते हैं, कैलकुलस भी बोलते हैं उसको, जब टार्टर और कैलकुलस बन गया वो हार्ड होता है और इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। प्लाक को ब्रश करके निकाल सकते हैं, टार्टर और कैलकुलस बन गया तो उसको डेंटिस्ट ही मैकेनिकली रिमूव कर सकता है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में जो उसके अंदर जो एसिड फॉर्म हुआ प्लाक के अंदर, बैक्टीरिया ने एसिड बनाए हैं खाने के ऊपर एक्ट करके, तो वो एसिड जो टूथ के आउटर लेयर होता है, बाहर का लेयर होता है एनामल, उसके ऊपर अटैक करने लगता है और एनामल के मिनरल्स को डिसॉल्व करने लगता है, रिमूव करने लगता है, वीक करने लगता है। ये होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैविटी फॉर्मेशन। जब एनामल बाहर से टूट गया, बाहर से
रिमूव हो गया, डिजोल्व हो गया, तो सेकेंड लेयर एक्सपोज हो जाती है दांत की, जो होती है डेंटिन। डेंटिन के अंदर छोटे छोटे टाइनी ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, और डेंटिन सॉफ्ट भी होता है, एनामल स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन डेंटिन थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब सॉफ्ट होता है तो इजिली वो डिजोल्व हो जाता है, प्लस उसके अंदर टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं जो नर्व से कॉन्टेक्ट करता है, इसीलिए कनेक्शन होती है, इसीलिए वो सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। और थर्ड स्टेज आ गया, जब थर्ड स्टेज में जो बैक्टीरियाज और एसिड होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपना मार्च अंदर की तरफ, और भी थर्ड लेयर में जाते हैं जिसको पल्प बोलते हैं। पल्प में जब जाते हैं तो पल्प में नर्व्स भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। जब पल्प में इंफेक्शन होती है बैक्टीरिया की तो वो पल्प में स्वेलिंग होने लगती है, और क्योंकि टूथ हार्ड होता है तो उसके अंदर स्वेलिंग करने की कोई स्पेस नहीं होती, इसलिए वो नर्व्स को भी प्रेस करता है। जब नर्व्स को प्रेस करता है तो उससे पेन होता है, दर्द होता है, और कभी कभी वो बाहर भी निकल जाता है। बाहर निकल जाता है तो उसको एब्सेस बोलते हैं, यानी कि वो बोन्स को डिजोल्व करके, बोन्स को भी डिजोल्व करके उसको बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ये प्रोग्रेस करता है, हमने ओवरव्यू दिया था छोटा सा। ओके सर, जैसे कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया कि ये हमारे दांतों में कैसे टूथ देखे हमारे दांतों में कैसे स्प्रेड होती, जैसे कि आपने सेकंड स्टेज में बताया था कि कैविटीज फॉर्मेशन के बारे में, तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि कैविटीज फॉर्मेशन के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सबके पास, जिसके पास भी दांत हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो जिसके अभी भी दांत निकले हैं, सबके सब लोग रिस्क पे होते हैं कैविटी बनने के। बट कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं रिस्क बनाने के, जिसमें कि टूथ लोकेशन हो जाता है। जैसे कि हमने इस मॉडल में देखा कि सामने के दांत फ्लैट हैं, स्मूथ सरफेस है, ब्रश करना आसान हो जाता है और सामने ही है, एक्सेसिबिलिटी आसान होती है। पीछे के दांतों में पिट्स हैं, ग्रूव्स होते हैं, डीप डीप ग्रूव्स होते हैं जहां पे फूड पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं और ब्रश करने में मुश्किल भी होती है कभी कभी पहुंचने में, और अपर के कभी कभी पीछे के दांत, तो ये एक्सेसिबिलिटी उसमें ज्यादा रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। कभी टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं, उनको अगर अच्छी तरह से ब्रशिंग ना करें तो उसमें भी बन जाती है, रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाती है। कुछ फूड आइटम्स, ड्रिंक्स होते हैं, शुगरी ड्रिंक्स, सोडा, केक्स, कुकीज, अगर हम ज्यादा खाएं तो उससे भी वो स्टिकी स्टिकी वो लग जाते हैं, उससे भी रिस्क बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंट स्नैकिंग और सिपिंग, ज्यादा बार बार खाने से, शुगरी स्टफ्स खाने से जो पीएच होता है माउथ का, वो क्रिटिकल पीएच होता है 5.5, अगर 5.5 पीएच से नीचे हमारे माउथ का ज्यादा रहे तो जितनी बार हम खाएंगे उतनी बार वो एसिड प्रोड्यूस करेगा, और वो 5.5 से नीचे जाएगा तो उससे एनामल की डिस्ट्रक्शन और डिजोल्यूशन होती रहती है, तो इसलिए वो भी कम करें। और बेड टाइम इन्फेंट फीडिंग, यानी कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर बेड टाइम में दे देते हैं तो लगा के सो जाते हैं, तो सोते समय सलाइवा की प्रोडक्शन लेस हो जाती है, और सलाइवा में प्रोटेक्टिव एंजाइम्स होते हैं जो दांतों को बचा के रखते हैं, अगर वो नहीं होगा और बच्चे सो गए हैं तो फिर उससे डैमेज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इनएडिक्वेट ब्रशिंग प्रॉपर ना हो तो उससे भी मुश्किल हो सकती है, और प्रॉपर अगर हमने फ्लोराइड नहीं ले रहे हैं मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में, या डेंटिस्ट के पास कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि डेंटिस्ट भी कभी कभी फ्लोराइड लगाते हैं एवरी 6 मंथ्स, या कुछ कुछ वो प्लास्टिक फिलिंग जैसे होती है जिसमें कि जिसको बोलते हैं कि फिशर सीलेंट्स बोलते हैं, वो नहीं लगा रहे हैं तो वो भी जरूरी होता है। और कभी कभी हार्ट बंस होते हैं, जैसे कि स्टमक का एसिड जो होता है ना, किसी किसी में GERD बोलते हैं, रिफ्लेक्स होता है, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज होता है, उससे उसमें हमारे दांतों में ज्यादा एसिड आता है तो एनामल वेयर हो जाता है, इरोजन हो जाता है, और उससे डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। तो जब डेंटिन एक्सपोज होता है तो कैविटी फॉर्मेशन के चांसेस रिस्क बढ़ जाते हैं, और यंगर और ओल्डर एज में भी, अमेरिका में जैसे कि छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में बहुत ज्यादा होता है, और ओल्डर एज में इसलिए होता है क्योंकि वो रूट डीके हो जाता है, या ओल्डर एज वाले होते हैं वो कुछ कुछ मेडिकेशन लेते हैं जिससे कि सलाइवा डिक्रीज हो जाता है और उससे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। ओके सर, जैसे कि छोटे बच्चों को मीठा खाने का ज्यादा शौक रहता है, वो लोग कुछ जंक फूड्स कुछ ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं, उन वो सब पीने और खाने से उनके दांतों में सेंसिटिविटी का इश्यू आते हैं, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? मीन्स जैसे कि बच्चों को अपना ये जंक फूड खाने को भी मिले एंड साथ में उनके दांत भी क्योर हो, प्रिवेंट हो, तो इसके बारे में कुछ टिप्स देंगे हमारे व्यूअर्स को? श्योर, बहुत अच्छा सवाल है मोनाल जी आपका, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये पेरेंट्स भी पूछते हैं बहुत सारे। तो देखिए, आपने ऐसे ही बोला कि बच्चे
बच्चों को कंट्रोल करना, उनको हम मना नहीं कर सकते, स्वीट से रोक नहीं सकते हैं, हम उनको फ्रीक्वेंसी रिड्यूस कर सकते हैं या उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे दें, उनको हम बोलें कि अच्छा ठीक है होमवर्क किया तो उसके बाद देंगे, यानी कि एक पीरियड बना दे, या फिर दूसरी चीज खाने के साथ दें, खाने के साथ देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा उसका स्वीट का इफेक्ट, खाने के साथ देंगे तो खाने के साथ सलाइवा फॉर्मेशन हो रहा है और उस सलाइवा के साथ वॉश आउट हो गया है। अगर हम ड्रिंक्स दे रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स या पेप्सी मिरिंडा ये सब पी रहे हैं वो ज्यादा, तो या तो हम उसको पाइप स्ट्रॉ के साथ पिए कि वो सीधा अंदर चला जाए, वरना अगर वैसे पियेंगे तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि वैसे पी के उसको उसके साथ प्ले करते हैं, माउथ वॉश की तरह इस्तेमाल करते, प्ले करने लगते, गार्ग ऐसे ऐसे करने लगते, उसके अंदर खेलने लगते हैं, तो उससे डिजॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं एनामल के। तो इसलिए उसको या तो पाइप स्ट्रॉ के साथ दें, मील्स के साथ दें, उनको पीरियड बता दें कि मैक्सिमम एक या दो बार दिन के, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करें, ये करना है। और दूसरी, और फिर उसके बाद इमीडिएटली आफ्टर दैट उनको ब्रश कराएं, माउथ वॉश कराएं या फिर अच्छी तरह से खुला कराएं, ब्रश कराएं खाने के बाद, तो ये सब इनसे कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू डॉक्टर सुमन मिश्रा जी हमारे व्यूअर्स को बट इतनी अच्छी तरीके से समझाने के लिए कि टूथ देके क्या होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे स्प्रेड होती है, कैविटीज फॉर्मेशन की क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को इनके बारे में बताया है। तो डॉक्टर सुमन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सीजन 3 में, जहां मैं आपसे और कुछ सवाले करूंगी और कुछ हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मैं मोना सोशल संवाद से आप सबसे विदा लेती हूँ, टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू मोना जी, सोशल संवाद को भी थैंक यू सर।